सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज इंट्रोडक्शन में आपका टाइम ख़राब नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे डायरेक्टली आप लोगों के साथ में करनी है। सो शुरू करते हैं। 5 से 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, डिस्प्ले पे उसका फ़ोटो दे रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे किसी वीडियो के ऊपर इतने ज़्यादा डिसलाइक आए हैं। पब्लिकली कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे किसी वीडियो के ऊपर इतने ज़्यादा डिसलाइक आए हैं लाइक्स के मुकाबले। आप देख सकते हैं कितने हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूँ जिससे लोग उसे पसंद ना करें। अब इतने ज़्यादा डिसलाइक आने का रीज़न, 3 रीज़न मेरे सामने हो सकते थे। पहला, मेरे कंटेंट में कोई खोट हो कि मैंने गलत नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश की हो। दूसरा ये कि सच हमेशा कड़वा होता है, मैंने सच बोलने की कोशिश की और आप लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। तीसरा जो था वो था मेन रीज़न, एक और उस वीडियो के अंदर मैंने एक गलती करी थी। सो मैंने एक न्यूज़पेपर आपको दिखाया था, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। उस न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में अभी तक 1 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं और 1 करोड़ टेस्ट के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं वो है 7 लाख। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की अभी जो पॉपुलेशन है वो है 180 करोड़। सो मुझे करना क्या था, मुझे करना था 180 से मुझे मल्टीप्लाई करना था 7 लाख को, बट मैंने 1 करोड़ को कर दिया मल्टीप्लाई 7 लाख से, हालांकि मैंने बोला वही था 9.5 करोड़। अब ये मिस्टेक मुझे कैसे हुई मुझे खुद को नहीं पता, मेरा दिमाग कहाँ था, बट उसका रिज़ल्ट आता था 9.5 करोड़। अब ये जो गलती मुझसे हुई थी तो पब्लिकली मैं आपके सामने उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि गलती मैंने की थी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से पब्लिकली कोई भी माफ़ी नहीं मांगता है। मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए गट्स चाहिए होते हैं। नहीं भी मांगता तब भी मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था और पूछा भी नहीं किसी ने। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए, भाई तू पागल हो गया है। सो उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी कहा था कि ये जो सिचुएशन है, जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन के अंदर जिम खोलेगी? लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो किस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि गवर्नमेंट जिम खोलने वाले नहीं हैं। लेकिन यही बात जो मैंने 5 से 6 दिन पहले आप लोगों को बोल दी थी, आप लोगों ने मुझे पागल साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ और मैं पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रहा था। सच जो है कभी भी गले से नीचे उतरता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने थंबनेल के ऊपर ये लिख देता कि 100% जिम खुलने वाले हैं, फिक्स डेट आ चुकी है, इस तरह का लिखता तो बिल्कुल आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता। आप बहुत सारे लाइक मुझे देते, आप बहुत सारे कमेंट मुझे करते कि हाँ भैया वाह यार क्या अच्छी न्यूज़ मैंने आपको दी है। बट मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये मेरा फिटनेस चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जो कि मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँ। सो दोस्तों, जो चीज़ अभी यूट्यूबर अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है जिम खोलना, तो ये बात मैं 7 दिन पहले बोल चुका था। वीडियो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे एक बार जाके देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, मैं 1 हफ्ते पहले ही भाप गया था, जो जिस तरह से गवर्नमेंट बिहेव कर रही थी ना, तो 1 हफ्ते पहले मुझे पता चल गया था। उसके अलावा बहुत से लोग इस सोच में बैठे हुए हैं कि चलो 15 दिन बाद जिम ओपन हो जाएंगे। मेरे भाई, गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। जो लोग सोच के बैठे हैं ना, ये तो बैठे ही रह जाएंगे। तो ये मौका है कुछ करने का। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन एट लिस्ट जो काम हम कर रहे हैं, तो ऐसी जो वीडियोज़ हैं इनको डाउनलोड करके आप टैग करो, ट्विटर पे करो, सोशल मीडिया पे करो, कहाँ भी करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, जहाँ आपकी मर्ज़ी पड़े वहाँ करो। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट तो लॉकडाउन लगाने की सोच रही है। यूपी में लगा दिया, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि लॉकडाउन लगाने की। आपको क्या लगता है ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट जिम ओपन करेगी, नहीं करेगी? अब आपको ये वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे, आपकी इच्छा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपका सच बोलने की कोशिश करी थी, आप लोगों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि सच सुनने की क्षमता शायद हम लोगों में बची ही नहीं है। सो ये गला फाड़ फाड़ के मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो हमें बार बार बोल रही है ना, पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये कभी बोला ही नहीं है कि जिम 15 जुलाई से खुल जाएंगे या फिर 1 अगस्त से खुल जाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी तक सिर्फ 2 बातें बोली है, सिर्फ ये कि जिम और स्कूल कॉलेज ये 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। और बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कि जिम तो 3rd फेज में ओपन हो जाएंगे। भाई, उस टाइम की बात अलग थी, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अभी जो कंडीशन चल रही है रियल में, प्रेजेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट इस हिसाब से डिसाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पत्थर की लकीर नहीं है। गवर्नमेंट ने तो 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, उसको खींच के उन्होंने 2 महीने का कर दिया था। और गवर्नमेंट ने ये कब कहा था कि हम दोबारा से लॉकडाउन लगा देंगे?
ये हुआ है ना, हो रहा है ना, आपके सामने ही है सब कुछ। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो कि मुझे आप लोगों से करनी थी। आपको पसंद आए ना पसंद आए, आपकी इच्छा है यार, लाइक करो डिसलाइक करो, आपकी मर्ज़ी है। जो भी है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया आपको। इसके अलावा मेरी एक और वीडियो है जो कि आने वाली है, या तो कल मंगलवार को या फिर परसों बुधवार को मैं अपलोड कर दूंगा। YouTube के इतिहास में ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इस वीडियो से अगर गवर्नमेंट न हिल जाए तो फिर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।